Hello, students. Hope all of you are fine during these testing times. Today, we have got a time slot for accountancy. I will do a class, class 12th. Dehko beta, class 12th, mein jo accountancy ka course hai. it has been divided into part A and part B and part C. Three parts. Mein isko divide kiya gaya hai. Part ए पार्ट बी एंड पार्ट सी जो एग्जामिनेशन का स्कीम है दिस इज कंपल्सरी एंड एनी वन ऑफ दिज टू इधर बी और सी दिस बिलोंग्स टू द कंप्यूटर पार्ट एंड दिस इज प्योरली अकाउंटेंसी पार्ट तो बेटा जब तक हम वहां पहुंचेंगे वी विल टेक अप द पार्ट वन और पार्ट वन का जो आपका सिलेबस है दैट इन्वॉल्व पार्टनरशिप And company accounts. Company accounts may shares and debentures. Beta, I expect that you know what is partnership, though not in the class twelfth. But you might have already gone through these in the class eleventh. That there is a sole proprietorship, there is a partnership, there is a joint stock company, there is a undivided family business, and uh, different uh, patterns of. Uh, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन्ही फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक है पार्टनरशिप तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन ठीक है बेटा इट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एसोसिएशन का मतलब यहां पर होता है कि जब लोग आपस में मिलजुल के कोई बिजनेस एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं The association of the persons who have agreed to share the profits, who have agreed to share the profits of a business carried on by all or OR, or any one of them, any one of them acting for all. आप इसको कंप्लीटली एक पार्टी मान लीजिए दिस इज एसोसिएशन ऑफ द पर्सन और ये रहेगा आपका कि एसोसिएशन किस चीज के लिए है अगर दो चार लोग आपस में मिलजुल के बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो एसोसिएशन बन जाएगी मगर एसोसिएशन का मकसद क्या है एसोसिएशन का मकसद है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। तो वे एज ऑलरेडी नो अ फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने की एक शक्लो सूरत है ये एक तरीका है ये एक तरीका ये है कि लोग मिलजुल के आपस में बिजनेस शुरू करेंगे एक तरीका है सोल इफ ए स्टार्ट बिजनेस सिर्फ ए इसका ओनर है ए ही कैरी फॉरवर्ड करता है यानी ए ही मैनेज करता है इस बिजनेस के अफेयर्स को वो सोल प्रोप्रेटरशिप होता है ए और बी या सी आपस में मिल जाते हैं इफ ए बी एंड सी ज्वाइंटली कैरी ऑन द बिजनेस उस चीज को सोल प्रोपरेटर से बाहर निकल के कोई और फॉर्म कहा जा सकता है एंड वन ऑफ द फॉर्म कैन बी पार्टनरशिप ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है नो प्रॉब्लम बट वन ऑफ द फॉर्म्स कैन बी द पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में होता क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेयर द प्रोफिट कैरियर ऑन बाई ऑल अच्छा एसोसिएशन ऑफ पर्सन अब आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए सर ए बी सी आपने लिखा क्या डी भी हो सकता है चार भी हो सकते हैं छह भी हो सकते हैं कितने हो सकते हैं तो उसको कहा जाता है कि मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं क्लियर तो कम से कम पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम तो दो होंगे ही एट लीस्ट टू तो कम से कम जब दो इंसान आपस में मिल जाए और आपस में मिल जाने के बाद वो बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करे कैरी ऑन करें बिजनेस एक्टिविटीज को तो वी कैन से दट दैट फॉर्म इज पार्टनरशिप वी कैन से ठीक है क्योंकि मैंने कहा वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है बट वी कैन से दैट इज अ पार्टनरशिप मैक्सिम फिफ्टी क्लियर एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड अपटू हंड्रेड क्लियर ये ऑलरेडी एक लॉ पास हो चुका है अब सिंपल नोटिफिकेशन के थ्रू इट कैन बी एक्सटेंडेड अपू हंड्रेड बट अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है फिफ्टी सो मिनिमम टू मैक्सिमम फिफ्टी अब मिनिमम टू और मैक्सिमम फिफ्टी जब ग्रुप बन जाता है इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक कानून बनाया गया था एक्ट तो so, उसको कहा जाता था पार्टनरशिप एक्ट और जिस साल में ये एक्ट बनता है जिस साल के अंदर ये कानून बनता है वो साल उसके साथ अटैच हो जाता है सो दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखो बेटा अब अगर ए बी और सी ये एसोसिएशन भी है शेयर भी प्रॉफिट्स करेंगे क्लियर बट इन्होंने कहा है बिजनेस अंडर द सेक्शन और अंडर द प्रोविजन और बाई अडोप्टिंग द पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू तो उस सिचुएशन में इनकी फर्म को कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म सिंपल अगर एबीसी आपस में मिल जाते हैं उन्होंने कहा जी नहीं री ऑन द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी प्राइवेट कंपनी क्लियर मैं इसलिए पब्लिक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है सेवन अब तो मेरे पास थ्री ही है तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर सो पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू यानी इस सारे पोर्शन को या आगे हम जितना भी पढ़ेंगे या जितना भी हमें पढ़ना है या जितना भी इस कोर्स में इंक्लूड किया गया है वो सारा का सारा हमें पढ़ना है कीपिंग इन व्यू द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखो अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो हमें समझ आ गया कि कितने हो सकते हैं हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स क्यों क्योंकि पार्टनरशिप ये लोग कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं ना दे आर इन द बिजनेस तो बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है तो बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है तो प्रॉफिट तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट क्लियर सो इसके बाद कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल सुनिए इसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहा जाता है कैरीड ऑन बाय ऑल ए बी और सी ये इनका ऑफिस है ये इनकी बिजनेस है या तो तीनों जाते हैं काम करने के लिए ए बी और सी सुबह घर से निकले तीनों के तीनों ऑफिस में पहुंचे काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद या अपना अपना काम करके ऑफिस से शाम को घर वापस चले जाते हैं तो इसको कहा जाएगा कैरीड ऑन बाय ऑल होगी पहली वाली लाइन कैरीड ऑन बाय ऑल यानी ऑल द थ्री ए बी एंड सी और इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटीज देन ऑर ओ और, और या अगर तीनों नहीं जा रहे एनी वन ऑफ देम ए बी नहीं जा रहे हैं सिर्फ ए जा रहा है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल यानी सिर्फ और सिर्फ कौन जा रहा है ए जा रहा है ऑल एंड ऑनली एज गोइंग टू द बिजनेस ऑफिस ही इज मैनेजिंग द एफेयर ऑफ द बिजनेस बट बी एंड सी आर साइलेंट देर स्लीपिंग स्लीपिंग पार्टनर है वो ठीक है साइलेंट है वो तो इसका मतलब है कि ए ही है सिर्फ वो इंसान वो पार्टनर जो बिजनेस ऑफिस जा रहा है और वहां पे सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो कैरी ऑन कर रहा है एनी वन ऑफ देम एनी वन ऑफ देम ओनली ए और इधर बी और इधर सी इन तीनों में से कोई भी बट ही इज एक्टिंग फॉर ऑल ही इज एक्टिंग फॉर ऑल ही इज एक्टिंग फॉर ऑल एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि ए बी और सी ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है वो ऑफिस जा रहा है वही बी और सी के लिए भी काम करता है ठीक है तो कल जाके लॉस हो गया लेट इट बी इसका दस रुपया लॉस दस रुपया लॉस दस रुपया लॉस लेट इट बी मैंने माना कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे आगे जाके इसमें डिस्कशन कर लेते हैं अभी शेयरिंग रेशो वगैरह सो so, दस 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 अब बी और सी ने हंगामा उठाया उन्होंने कहा ये तो लॉस है इट इज अ लॉस वी वोट शेयर इट क्योंकि ये जो लॉस हुआ है वो आपकी डिसीजन की वजह से हुआ है आप गलत है आपने कुछ गड़बड़ किया था आपने कुछ गलत किया था तो हम ये लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है तो आपको नहीं लग रहा है कि तब ए इनको आंसर ये कर सकता है कि या, जब पंद्रह पंद्रह रुपए आपने प्रॉफिट लिया था कभी लास्ट ईयर पंद्रह पंद्रह रुपए प्रॉफिट लिया था तब आपने ये क्यों नहीं कहा था कि यह प्रॉफिट आपकी मेहनत की वजह से हुआ है ये प्रॉफिट आपकी डिसीजन uh, की वजह से हुआ है आपकी पॉलिसी कैरी फॉरवर्ड की वजह से हुआ है तो तब भी आपको कहना चाहिए था कि ये पंद्रह पंद्रह रुपए आपका है ये नॉर्मल डिस्कशन है तो अब हमें वो डिस्कशन मानना है जो डिस्कशन किसने किया है लॉ ने और लॉ ने क्या कहा है लॉ ने कहा ये डिस्कशन इधर उधर नहीं चलेगा बट द पर्सन हु इज एक्टिव he is acting for all of them and he is acting for all of them ka matlab hai whether there is profit or whether there is a loss whatever be the situation that is to be distributed among the all partners in the agreed ratio in the agreed maine kaha agreed ratio yahan pe maine equal की example दे दी मगर असल में क्या है agreed ratio यानी जो उनका आपस में ratio होगा बांटने का उसी ratio में इनको ये distribute करके देना है इतना समझ आया तो देखो बेटा आपने जैसे आप भी आ, आपने एक्वेट एक किया होगा ये आपको भी अब आप इस पार्टनरशिप की कुछ बेसिक चीजें हैं ठीक है कि शुरुआत इसको टेक्निक इसकी टेक्निकल शुरुआत करने से पहले आपके सिलेबस के, के हिसाब से मैंने कहा ए बी एंड सी दे आर इन अ पार्टनरशिप दे आर इन अ पार्टनरशिप देखो बेटा इफ दे आर इन ए पार्टनरशिप ए बी और सी का आपस में क्या एग्रीमेंट है ए बी और सी को या उनका आपस में ये पार्टनरशिप चलाने का क्या एग्रीमेंट है वॉट इज द एग्रीमेंट बिटवीन ए बी एंड सी कि कैसे पार्टनरशिप चलाएंगे इसका ऑफिस कहां पे होगा इसका मतलब कौन कितना कैपिटल लेके आएगा कौन uh, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा कौन कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे देगा डिफरेंट चीजें प्रॉफिट किसका कितना होगा ये बेसिक चीजें होती हैं क्या होती हैं बेसिक चीजें क्लियर अब अगर उस बेसिक चीज में कोई चेंज आई किसी भी लेवल पे और किसी भी सिचुएशन में एनी सिचुएशन चेंज किसी भी लेवल की भी हो उसको कहा जाता है चेंज बेसिक थिंग पहले स्टार्ट के टाइम पे इनके आपस बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट क्लियर एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट चलने के बाद दो महीना दो साल दस साल के बाद इनको लगा कि अब हमें इस पहले किए हुए एग्रीमेंट में कुछ चेंज करनी चाहिए तो उसमें कुछ चेंज जब आ जाएगी दैट विल बी ए चेंज और लास्ट में जब इनको क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी क्लियर हो सकता है पार्टनरशिप क्लोज कर भी, भी करेंगे क्लियर सो so, इसका मतलब है थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पार्टनरशिप के रिलेटेड नंबर वन द बेसिक बेसिक का मतलब है बुनियादी कि किसका कितना कैपिटल होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिया जाएगा क्लियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना इनको इनसे चार्ज किया जाएगा सो दीज आर बेसिक थिंग्स जब इन बेसिक चीजों में कोई चेंज आ जाएगी दैट विल बी चेंज अब अकाउंटिंग इनको नाम क्या देती है उंटिंग गिवज देम द नेम ऑफ बेसिक का नाम होता है फंडामेंटल फंडामेंटल्स यानी फंडामेंटल का तो मकसद मतलब ही होता है फाउंडेशन द बेसिक क्लियर फंडामेंटल्स वही फाउंडेशन होता है इसका नाम अकाउंटेंसी रखती है रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन और रि एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लॉज फ्रेम करना क्लियर या किए हुए हैं जब उनमें कोई चेंज आ जाएगी तो उसका नाम होता है रे दोबारा से फ्रेम करना जब आपके पहले किसी एग्रीमेंट में कोई चेंज आ जाएगी जब आप पहले किए हुए किसी लॉ को चेंज करने की कोशिश करेंगे देन इट विल बी टर्म एज द नेम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन क्लियर और जब आप अपनी इस बिजनेस को क्लोज करेंगे हो सकता है देन दैट विल बीवन दैट विल बी गिवन द नेम ऑफ डिजोल्यूशन देखो बेटा सो so, पार्टनरशिप के हवाले से पार्टनरशिप के लिहाज से पार्टनरशिप के एतबार से बेसिक फंडामेंटल्स चेंज रिकॉन्स्टिट्यूशन क्लोज डिजोल्यूशन क्लियर अब इसके अंदर भी ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है ये भी तीन किस्म की हो सकती है इट कैन बी एफ ऑल्सो थ्री टाइप्स क्लियर नंबर वन अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ये जो चेंज हो सकती है दैट कैन बी अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बताऊंगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या होते हैं या अपॉन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट और डेथ बेटा यही आपकी सारी पार्टनरशिप है दिस इज होल ऑफ योर पार्टनरशिप और इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उनको एक बार समझ गए इट वोट टेक यू ये महीना डेढ़ महीना से ज्यादा नहीं ले लेगा आपका सो so बेटा इफ यू फोकस कि क्या चीजें डिस्कस करी जा रही है यू विल अंडरस्टैंड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मैं मानता हूं कि एक एग्रीमेंट इनका यह है कि जो भी हमारा नफा होगा प्रॉफिट होगा उसमें से इन्हें कहा है मेरे तीन हिस्से इसके दो हिस्से इसका एक हिस्सा ये आपस में एग्री हो चुका है जब पार्टनर्स आपस में एग्री कर चुके हैं तो अकाउंटेंट का कोई हक नहीं बनता है कि वो उस पर कोई क्वेश्चन रेज करे इफ ऑल ऑफ द पार्टनर्स हैव जुडिशियली साइंड द एग्रीमेंट उनका आपस में ये एग्रीमेंट हो चुका है तो मसला खतम बस अब आपने क्या करना है एज एन अकाउंटेंट इनको अकाउंट करके देना है आपने उनकी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो उसको कंप्लीट कराना है कि आपस में उन्होंने एग्री किया है तो किया है हमें क्या है उन्होंने कहा है कि ए जाएंगे थ्री पार्ट बी विल टेक टू पार्ट एंड सी विल टेक वन फॉरवर्ड क्लियर आप ये नहीं बताएंगे सर उसका तीन क्यों इसका एक क्यों है है वो आपस में एग्री कर चुके हैं so, सो वो आपस में एग्री कर चुके हैं अब इन्होंने आगे जाके कहा कि ये थ्री टू और वन दो साल के बाद चार साल के बाद दस साल के बाद कहा कि नहीं ये गलत है अब हम गलत नहीं है मतलब इनको जरूरी नहीं है कि यह गलत है अब गलत भी हो सकता था या क्या भी हो सकता था या किसी को क्या फील हुआ बट अब आप यह कह सकते हैं कि अब इनको लगा कि दैट वी नीड अ चेंज उस चेंज का क्या मकसद होगा कि इसने कैपिटल भी ज्यादा लाया इसने कैपिटल ज्यादा लाया सो देयर कैन बी डिफरेंट रीजन तो अब इन्होंने कहा कि टू इज टू टू इज टू वन होना चाहिए या वन इज टू वन इज टू वन होना चाहिए वट एवर बी द रीजन वट एवर बी द रीजन मगर इन्होंने अपना प्रॉफिट बांटने का जो तरीका है उसके जो कैलकुलेशन के है, उसको चेंज किया, किया है बताओ मुझे ये चेंज जो थी ये किन के बीच में थी ये उन पार्टनर्स के बीच में थी जो पहले से उधर थे यानी ए बी सी यही तीन पार्टनर्स पहले भी थे और यही तीन पार्टनर्स बाद में भी रहेंगे यानी ना ही कोई बाहर से अंदर आया ना ही कोई अंदर से बाहर गया नीधर देयर इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है जब चौथा पार्टनर इनके साथ मिल जाए पांचवा पार्टनर इनके साथ मिल जाए क्लियर दैट इज एन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर उसके बाद रिटायरमेंट का मतलब होता है कि इन दो पार्टनर से कोई बाहर निकल जाता एबीसी पार्टनर से बी निकल जाता So, वहां पे रहते सिर्फ ए और सी उसको रिटायरमेंट और डेथ कहा जाता है तो इसका मतलब है कि ना ही एडमिशन हो रहा है ना ही रिटायरमेंट और डेथ हो रही है बट क्या हो रहा है कि जो पार्टनर्स पहले से मौजूद थे वही पार्टनर्स अभी भी मौजूद है बट उन्हीं पार्टनर्स के बीच में आपस का एग्रीमेंट जो है वो चेंज हुआ है दैट इज टर्मड एज द अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है वही जो एग्जिस्ट हो रहे थे वही जो पहले से थे कोई नया नहीं आया ना कोई इन एग्जिस्टिंग में से कोई निकल गया अर्लियर जो पहले से थे वही कंटिन्यू कर रहे हैं बट इन डिफरेंट कैलकुलेशन मैनर हाँ बेटा जो ये कैलकुलेशन का मैनर होता है टू टू एंड वन टू टू एंड वन यानी कि तीन हिस्से ए के दो हिस्से बी के एक हिस्सा सी का या दो हिस्से दो हिस्से ए बी के एक हिस्सा इसका या एक एक हिस्सा हिस्सा हर किसी का इस कैलकुलेशन मैनर को कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशू पी एस आर यू विल गिव इट अ नेम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशू रेशू का मतलब क्या होता है मिकदार पार्ट क्या आप प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप अगर प्रॉफिट के हिस्से कर रहे हैं आप अगर प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं तो आप किस रेशो पर कर रहे हैं क्या आपका कैलकुलेशन का मैनर क्या है आपका कैलकुलेशन का मैकेनिज्म क्या है क्या तरीका है तो जो भी आपका रेशू होगा जिस प्रोपोर्शन में भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे उसको कहा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशू क्लियर और डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है कि जो भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा सपोज मैंने माना आपका प्रॉफिट बारह रुपए है आपका प्रॉफिट मतलब पूरी फर्म पूरी बिजनेस का प्रॉफिट विच बिलोंग्स टू ऑल ए बी एंड सी तो ए बी एंड सी तीनों का प्रॉफिट कितना है बारह रुपए जब तीनों का प्रॉफिट बारह रुपए है दिस ट्वेल्व रुपीज रुपीज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इसको ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है मगर किस रश्मी टू वन या टू इज टू इज टू वन या वन इज वन इज टू वन लेट इट बी मैं मानता हूं थ्री टू एंड वन तो टोटल हिस्से कितने बनते हैं टोटल हिस्से ए के तीन बी के दो सी का एक तीन और दो हो गए पांच और एक क्या हो गया छे क्लियर यू विल एड ऑल दटेंडेंट एंड यू विल गेट सम उसका रिजल्ट क्या होगा सिक्स क्लियर सो इसका मतलब है कि बारह रुपए के कितने हिस्से होने हैं टोटल छ हिस्से क्लियर टोटल हिस्से छ हो जाएंगे छे में से ए कितना लेके जाएगा थ्री सो ए शेयर विल बी थ्री बी शेयर विल बी ट्वेल्व बाई सिक्स इंटू टू एंड सी शेयर विल बी ट्वेल्व बाई सिक्स इंटू वन सो सिक्स टूज ट्वेल्व छ रुपया चार रुपया दो रुपया छह चार दस और दो हो गए बारह तो अब हमें समझ आया जो हमारा सारा प्रॉफिट था होल प्रॉफिट ऑफ रुपीज ट्वेल्व विच द हैड गॉट would be divided or will would be distributed among A, B and C in their agreed profit sharing ratio. And what is the agreed profit sharing ratio? Three, to one. Anything? अगर आप बता रहे हैं कि बारह रुपए हैं, clear? बारह रुपए. अगर आप इसको one is to one is to one में distribute करना चाहते हैं, तो one is to one is to one in partners का साम क्या बनेगा? तीन, एक, एक और एक, तीन. यानी it is to be divided among the three partners. ए ले लेगा उसमें से वन बी ले लेगा वन सी ले लेगा वन थ्री फोर ट्वेल्व एवरी वन विल गेट फोर फोर एंड फोर सो बारह रुपए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहां पे आपने बारह रुपए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए। क्लियर सो दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ये भी फर्म बनने से पहले डिसाइड हो जाता है उनमें किन में पार्टनर्स में और वाइज चीज भी यही है और कॉन्शियस चीज भी और रैशनल चीज भी यही कह रही है कि आपने ये सारे के सारे पॉइंट जो है फर्म के ऑपरेशन स्टार, स्टार्ट होने से पहले फर्म कहते हैं इस पार्टनरशिप को ज्वाइंटली फर्म कहा जाता है तो इंडिविजुअली इनको क्या कहा जाएगा पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी दे आर द पार्टनर्स और ज्वाइंटली इनको कहा जाएगा फर्म ए बी सी इज अ पार्टनरशिप फर्म क्लियर और फर्म ए सी दे आर इन अ पार्टनरशिप फर्म और इन्होंने इसका नाम देना होगा और वो आपको पता है कि देर इज एन अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट उसके लिहाज से जब भी कोई बिजनेस वजूद में आ जाती है उसका अलग एक वजूद बन जाता नेम ऑफ ए रिलायंस तो ये चीजें हमने कर दी हैं सो so, ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अब बेसिक चीजों में फंडामेंटल चीजों में तो ये तो लिख के होगा पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लियर बात समझ आ रही है ये भी लिख के होगा कि आप कैपिटल कितना लाएंगे कितना देंगे क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है सुना होगा आपने कि जब पार्टनर कैपिटल देता है फर्म को जब पार्टनर

तो बिजनेस को चलाने के लिए तो इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तीनों को ए बी एंड सी को जो भी वो कुछ इन्वेस्ट करेंगे उसका नाम क्या रहेगा कैपिटल ये अकाउंटिंग की अपनी टर्मिनोलॉजी है और आपसे एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स या अकाउंटेंसी पर्टिकुलरली वेन एवर यू आर आस्क वॉट इज कैपिटल एंड योर आंसर शुड बी लाइक दिस इफ यू आस्क सेम थिंग टू द पोलिटिकल साइंस स्टूडेंट वो कहेगा कि कैपिटल वो चीज होती है जहां पे गवर्नमेंट जहां से जिस चीज से गवर्नमेंट फंक्शन करती है हब ऑफ द गवर्नमेंट रिजाइड तो ये चीजें होती हैं ये अपनी अपनी टर्म्स टर्मिनोलॉजी होती है अब अब इसने कैपिटल तो दिया अब इस कैपिटल से बिजनेस शुरू किया जाएगा रन किया जाएगा इसको चलाया जाएगा इसको ऑपरेट किया जाएगा और कुछ टाइम के बाद इन पार्टनर्स को घर चलाने के लिए पैसा चाहिए दे हैव टू ब्रिंग रेशन टू द होम दे हैव टू पे द स्कूल फी ऑफ देयर चिल्ड्रन दे हैव टू ब्रिंग ऑल जो भी घर की जरूरत होती है तो दे नीड मनी जब भी वो पैसा वापस लेते हैं फॉर पर्सनल यूज उसको कहा जाता है ड्रॉइंग्स उसको कहा जाता है ड्राइंग्स देखो बच्चों अब अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछेंगे ड्राइंग क्या है वो तो बताएगा ये तो डिजाइन तो है।, है कि यह बिल्डिंग कैसे बनानी है बट शुड बी टू मच अवेयर दैट कि यह आप इलेवंथ क्लास में पढ़ के आए हैं कैपिटल एंड इन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स को अपने तरीके से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस और एज स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग वी नो वट आर टर्मी क्लियर ड्रॉ का मतलब होता है वापस भी निकालना सो so, ये जो चीजें यहां तक हम आ गए डिस्कस करते करते अब इस जब इसने यहां पे इंटरेस्ट कैपिटल uh, दिया वापस ही गेट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल ऑफ दीज थ्री मे बी और मे नॉट बी जरूरी नहीं है कि मिलेगा असल में इनका जो एग्रीड अमाउंट होता है मतलब जो डिफाइंड अमाउंट डिफाइंड तो नहीं कहेंगे टेक्निकली बट कि मतलब जो जिस चीज की इनको तवक्का होती है वो तो मिलना है दैट इज प्रॉफिट क्लियर ये एडिशनल मिल जाता है अगर कैपिटल दिया कैपिटल पे इंटरेस्ट लग गया

ये आपस में इन्होंने म्यूचुअली डिफाइन किया हुआ होता है ये चीजें जरूरी नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यानी दिस कैन बी पॉसिबल यानी दिस इसको लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है जरूरी कोई बात नहीं है कि देना ही देना है इट्स एन ऑप्शनल थिंग इट इज ऑल्सो एन ऑप्शनल आइटम क्लियर ऑप्शनल बट कैपिटल तो जरूरी है उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं बिजनेस चलेगी नहीं तो ड्राइंग ड्राॅइंग उसको लेना जरूरी है क्योंकि घर कैसे चलाएगा यानी दीज टू आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दीज आर ऑप्शनल थिंग्स होगी एग्रीमेंट में आपस में तो हम लिख देंगे ऐसे ही है अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे कि म्यूचुअल एजेंसी का हमने डिस्कस किया दैट ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ओनली एंड ओनली ए कैरीज ऑन द बिजनेस बी और सी घर में बैठे हुए हैं दूसरा कोई काम कर रहे हैं अब आपको नहीं लग रहा है कि ए क्वेश्चन एक रेज कर सकता है कि मेरा क्या फायदा है प्रॉफिट आप भी ले रहे हैं प्रॉफिट मैं भी ले रहा हूं प्रॉफिट यू ऑल्सो टेक द प्रॉफिट आई ऑल्सो टेक द प्रॉफिट फिर मेरा यहां पे एडिशनल टाइम देना क्या फायदा है उसको उस चीज के लिए सैलरी मिल सकती है क्लियर एंड डेफिनेटली ही विल गेट सैलरी फॉर दैट इफ ही इज कंट्रीब्यूटिंग एक्स्ट्रा टाइम जब वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो सैलरी तो लेनी ही लेनी है क्लियर हाँ कोई पार्टनर ज्यादा एग्जर्ट कर कर जाता है तो ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट कमीशन मैनेजर को कमीशन देना है मैनेजर को एग्जर्ट करना है उसको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं तो मैनेजीरियल का भी डिस्कशन हो जाएगा बात समझ आ रही है नहीं तो ये सारी चीजें बेसिक है होना जरूरी है और जब एसी का नाम दिया जाता है एग्रीमेंट उनका आपस में क्या है उनका एग्रीमेंट दिस एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट में और भी चीजें लिख के होती हैं कि बिजनेस का ऑफिस कहां पे है कौन कितना कैपिटल दे देगा अमाउंट ऑफ द कैपिटल ठीक है इसकी भी रेट डिफाइंड होती है परसेंटेज में फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट पर एन एम पर एन एम का मतलब होता है दस परसेंट पूरे साल के लिए क्लियर ऐसे यहां पे लिख के होगा फाइव परसेंट पर एन एम तो सैलरी कमीशन वगैरह और भी चीजें हैं देर इज लॉट ऑफ द लिस्ट विच इंक्लूड हेयर इफ यू हैव अ बुक यू कैन रेफर टू दैट और वहां पे आप पहले ही पेजेस पे जब आप पार्टनरशिप ओपन कर लेंगे वहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि यह यहां पे कौन कौन सी लिस्ट होती है जो वो आपस में सबसे पहले एग्री करते हैं क्लियर ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट बता दी अब कहा जाता है नोशनली कहा जाता है दैट दिस कैन बी ऑरल दिस कैन बी रिटर्न यानी या तो ये उनके बीच में जुबानी है ABC आपस में मिले उन्होंने कहा चलो ठीक है आपका इतना मेरा इतना आप इतना ले लेना मैं इतना दे दूंगा आप यह करेंगे दैट इज एन ऑरल जुबानी आपस में उनका डिस्कशन हुआ है क्लियर आफ्टर दैट रिटर्न और रिटर्न एग्रीमेंट का नाम डीड होता है या इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है इफ एजुकेटिव क्वेश्चन हो सकता है यू गेट अ क्वेश्चन व्हाट इज अ पार्टनरशिप डील तो आपका आंसर हो जाना चाहिए पार्टनरशिप अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग पार्टनर्स क्लियर विच मेन्शन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द कैरियन ऑफ द पार्टनरशिप क्लियर तो उनके आपस के एग्रीमेंट्स में क्या है वो डिफाइन क्या वहां पर किया जाता है तो बेटर आपसे कहा जाए कि बेटर इन दो में से कौन है तो विदाउट थिंकिंग एनी थिंग यू शुड अंडरस्टैंड रिटन वन इज मोस्ट परफेक्ट थिंग क्यों क्योंकि आगे जाके अगर कंफ्यूजन हुआ मैटर है कंफ्यूजन का अगर कंफ्यूजन हो गया अगर कंफ्यूजन हो गया तो ऑरल में तो किसी का हक ही नहीं बनता है मैं कहूंगा कि जी आपने कहा था आप एक लाख लाओ वो कहेगा जी नहीं नहीं मैंने नहीं सुना था मैंने कहा था आप डेढ़ लाख लेके आना तो इसका मतलब है कि ऑरल जहां पे कहीं लिख के नहीं होगा व्हाइट पेपर पे उस पर साइन किया हुआ होगा क्लियर डॉक्यूमेंटेड कोर्ट में जाइए उसको कोर्ट में सर्टिफाई करा लीजिए तो इसका मतलब है कि जब ये चीजें रिटर्न होगी तो वो मोर परफेक्ट बन जाती है वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन बन जाती क्लियर बात समझ आ रही है तो देखो बेटा अब यहां पे पीएसआर कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी वगैरह कमीशन की ये जो चीजें हैं ये फंडामेंटल में आ जाती है क्लियर पास्ट एडजस्टमेंट्स मुझे याद आ गया पास्ट एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है ये सीखना है ये है एग्रीड जरूरी नहीं कि बट पास्ट का मतलब होता है कि अकाउंटेंट क्या तरीका इस्तेमाल करेगा अगर हमें लास्ट ईयर में कोई गलती हो गई थी लास्ट ईयर हमें फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छह परसेंट देना था हमने आठ परसेंट दे दिया हो गया गलती से कैलकुलेट हो गया आठ परसेंट अब जो चीज आठ परसेंट थी ही नहीं तो उसका आप आठ परसेंट कैसे मानोगे इसका मतलब है कि जब भी आपकी नजर उस पर चली जाए एक साल होने के बाद दो साल होने के बाद भी क्यों ना पड़े चार साल होने के बाद भी क्यों ना पड़े नजर आपकी उस पे? तो you have to get it rectified. उसको ठीक करना है उसको कहा जाता है पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी क्योंकि देखो बेटा हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया बट दैट इज अ कैलकुलर एंड सिंपल कैलकुलेशन टिक्स इंटू थ्री आप इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं एग्रीड क्लियर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वही लिखा जाता है बुक्स वगैरह में सो so, आप देखिए कि आप अगर जो ऐसा बता रहे हैं हम uh, डिस्कशन में हम जो जा रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ये तो कैलकुलेशन है अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको अकाउंटिंग में करना होगा उसके लिए आपने कोई अकाउंट बनाना होगा अगर आपने नाम सुना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन बनता है और वो अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि दैट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट क्लियर तो यहां तक क्लियर है सो आई शल प्रोसीड देखो बेटा तो जो बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जब वो कैपिटल दे देगा जब ये पार्टनर्स कैपिटल दे देंगे याद करिए सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी जर्नल एंट्री बनाओ बिकॉज अकाउंटिंग में जो कुछ भी चलेगा तो जर्नल एंट्री चलेगा तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए आप इसकी सिंपल जर्नल एंट्री बना सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट बींग कैपिटल इंट्रोड्यूसड बाई द ऑनर्स क्लियर बींग कैपिटल इंट्रोड्यूसड सपोज इसने दे दिया एक लाख इसने दिया डेढ़ लाख इसने दिए ढाई लाख दो तीन चार और पांच, पांच लाख का आपके खाते में क्या आ जाएगा पैसा एज एन अकाउंटेंट आप ये लिख रहे हैं अच्छा अब ये है क्या ये सिंपल है ए एज कैपिटल बीज कैपिटल सी सीज कैपिटल क्या है अगर ये सोल प्रोपरेटरशिप होती हैड इट बीन अ सिंपल सोल प्रोपरेटरशिप अगर ये सिंपल सोल प्रोपरेटरशिप होती तो आप एंट्री क्या लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बींग कैपिटल इंट्रोड्यूसड अब ये जो कैपिटल अकाउंट है वो सोल प्रोपरेटर था वहां पे एक ही ओनर था जब एक ही ओनर था तो हमें पता है कि उसका कैपिटल मिक्स ही नहीं होना है कहीं मिक्स नहीं हो जाएगा जब कहीं मिक्स नहीं हो जाएगा यहां पे तो मिक्सिंग का खतरा है जब मिक्सिंग का खतरा है तो मिक्सिंग के खतरे को हटाने के लिए आप साथ साथ लिखिए एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट आपको समझ आ जाएगा कि सी के कैपिटल अकाउंट में एक लाख लिखना है बी के कैपिटल अकाउंट में डेढ़ लाख लिखना है और ए के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्लियर हाँ, आपकी रिकैप्चुलेशन के लिए फॉर यू फॉर एग्जाम्पल हाँ, आप तो नॉर्मली इसमें कैश भी लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट मगर बेटर क्या चीज रहती है दैट यू हैव टू इन्वॉल्व द बैंक अकाउंट आप इसको सेफ रखिए तरीके से रखिए और बेटर भी है कि इनकम टैक्स पर्पजे के लिए या बाकी चीजों के लिए आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या रहेंगी साफ आप उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यू आर अवॉइडिंग द कैश ट्रांजेक्शन एंड यू आर स्विचिंग वर्ड टू द बैंक अदरवाइज ये लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट क्लियर रिकेप्युलेशन के लिए मैं आपको जल्द जल्दी जल्दी बताऊं कैपिटल इंट्रोड्यूसड बाई ऑनर कैपिटल इंट्रोड्यूसड बाई इंट्रोड्यूसड बाई ओनर या पार्टनर तो इसकी जनरल एंट्री आप कैसे करेंगे सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है उनको पांच कैटेगरी डिवाइड किया गया है एसेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ठीक बात है बच्चे याद आया हा अकाउंटिंग अपनी लैंग्वेज समझती है दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट तो क्या बताती है यह लिखेगी इधर डेबिट और क्रेडिट क्या चीज डेबिट होनी है क्या चीज क्रेडिट होनी है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट्स दैट इज डेबिटेड इफ देयर इज डिक्रीज इन एन एसेट्स दैट इज क्रेडिटेड इन द सेम मैनर इफ देयर इज डिक्रीज एंड देयर इज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज यानी आई मीन टू से इफ देयर इज इंक्रीज इन द कैपिटल दैट इज क्रेडिटेड if there is decrease in the capital that is debited if there is decrease in the liability that is debited if there is increase in the liability that is credited in the same manner if there is increase in the assets that is debited and if there is decrease in the assets that is credited in the same manner if revenue increases that is credited and if revenue decreases that is debited and reverse will happen for the expenses

तो आप मानेंगे एक तो कैपिटल अकाउंट यानी ओनर अकाउंट है आप ऐसे समझ लीजिए इसको ओनर अकाउंट है और ओनर जब आपको कैपिटल दे रहा है वंस ओनर इंट्रोड्यूस द कैपिटल या तो वो कैश देगा या तो वो बैंक देगा दो चीजों में से एक चीज तो आप मानिए इसको बैंक मान लिया जी आपने बैंक जब आपने इसको बैंक मान लिया तो आइए ये ओनर अकाउंट इन ओनर ये ओनर इन अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट है सो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट तो आप लिखेंगे इट इज अ कैपिटल अकाउंट क्लियर बैंक अकाउंट इन अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट है दैट इज एन एसेट अकाउंट जब आपने लिखा इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज देखिए आप एज एन अकाउंटेंट आप बिजनेस के अकाउंटेंट है आपके पास कैश आ रहा है तो आप लिखेंगे इंक्रीज ये कैश आपने वापस किसको देना कैश मतलब ये अमाउंट आप किसको ओ करते हैं ओनर को अभी तक ओनर का अकाउंट जीरो था अब वो जीरो से यहां तक पहुंच रहा है इंक्रीज हो रहा है सो so, इसका मतलब है इंक्रीज वेन एवर कैपिटल इंक्रीजेस रूल इज क्रेडिट वेन एवर एसेट इंक्रीजेज वेन एवर एसेट इंक्रीजेज रूल इज डेबिट और अकाउंटिंग तो चाहती भी यही है और अकाउंटिंग का तरीका भी तो यही है कि जब आप जर्नल एंट्री करो आपका डेबिट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बात समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो तो कितना दिया पांच लाख फाइव लाख रुपीज तो आपके बैंक में भी जमा हो जाएगा पांच लाख रुपीज तो इसका मतलब है कि योर डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू तो योर क्रेडिट अमाउंट तो अब आप ओनर फर्म में तो तीन है तो आप तीनों का नाम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट पांच लाख यानी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट ओनर्स अकाउंट क्रेडिट तो एक-एक करके ए इज कैपिटल अकाउंट बी इज कैपिटल अकाउंट सी इज कैपिटल अकाउंट अगर वो एक ही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट सॉरी सो ये हो गया यानी कि ये आपका 11थ का रिवीजन है तो 11थ का रिवीजन मैंने इसलिए बताया क्योंकि वी हैड द सेम सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक लास्ट ईयर एज वेल सो बेटा आपने इस पर भी थोड़ा फोकस करना है और जरूरी करना है ऐसे ही इसकी सारी जनरल एंट्रीज बनती हैं अब ट्राई करेंगे मैं आपके लिए बता देता हूं एक ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल ऑनर फॉर पर्सनल यूज रुपीज टेन थाउजेंड क्लियर सिंपल ओनर या मैं कहूंगा ए बी एंड सी विड्रो फॉर पर्सनल यूज रुपीज टेन थाउजेंड ई क्लियर यानी ए बी और सी तीनों ने पर्सनल यूज के लिए पैसा विदड्रॉ किया हुआ है कितना दस हजार रुपया हर कोई ईच का मतलब होता है हर कोई क्लियर या होगा कहीं पे लिख के रेस्पेक्टिवली यानी ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली का मतलब बिल तरतीब यानी ए बी और सी पहले ए फिर बी फिर सी लाइक ए बी सी ए बी एंड सी withdraw रुपीज टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड टू थाउजेंड ए बी एंड सी विदड्रो टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड एंड टू थाउजेंड रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली का मतलब है सीक्वेंस में ए बी सी है दस हजार पांच हजार दो हजार तो टेन बिलोंग्स टू ए फाइव बिलोंग्स टू बी एंड टू बिलोंग्स टू सी क्लियर तो उस लिहाज से आप वैसा मानोगे या अगर ईच लिखा है तो फिर हर कोई दस दस हजार ही निकाल रहा है ड्राइंग्स अब आप ड्राइंग्स की जनरल एंट्री घर में अटेम्प्ट करेंगे क्लियर तो जब भी हम हाँ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ये करके होना चाहिए क्लियर और लास्ट में मैं क्लास के लास्ट में मैं आपको एक ई मेल आई दे देता हूं जहां कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होगी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दैट ई मेल ठीक है सो so, ये देखिए बेटा कि यह जो हो गया ड्राइंग्स भी हो गई अब इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राॅंग्स की भी जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी जर्नल एंट्री है और सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी जर्नल एंट्री होगी मगर सबसे पहले कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री लिखे बेटर है कि हम जाने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राॅंग्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है क्लियर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक ट्रांजेक्शन ऐसे लिख देता हूं ओनर Owner या ओनर्स ए बी एंड सी इंट्रोड्यूसड इंट्रोड्यूसड का मतलब होता है उन्होंने दिया फर्म को दिया क्या दस हजार पांच हजार दो हजार एज अ कैपिटल एज अ कैपिटल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं इन्होंने फर्म को दिया है कैपिटल जरूरी बात है कि देंगे कैपिटल ही तो दे देंगे क्लियर टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड एंड टू थाउजेंड एज ए कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दे दीजिए एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन क्लियर ये क्वेश्चन जो है डेट्स के बारे में साइलेंट है ठीक है तो अब आपको फिर समझ आ जाना चाहिए कि जब डेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है कोई भी डेट ले सकते हैं और वो एक साल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो मैं मानता हूं दे हैव inter... अगर आ, पूरा क्लियर हो जाएगा दे चार दो हजार बीस पे एक चार दो हजार बीस पे इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए इकतीस तीन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन पे क्लियर अब डेट्स की साइलेंस जो है हमने उसको खत्म कर दिया अब तो हम डेट्स भी लेके आ गए तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन हैज फॉर यू अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो आप इसको नॉर्मली ट्वेल्व मंथ्स का पीरियड मान के चलते सो मंथ्स so, का पीरियड मान के चलने का मतलब होता है कि यू वुड हैव डमीली वुर्ड यू हैव हैव वुड डीम्ड कि ये इसी इसी सिर्फ साल की नहीं बारह महीनों की बात हो रही है तो बारह फाइनेंशियल मंथ्स कहां से शुरू हो जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू दर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर क्लियर इसीलिए हमारा जो प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर चल रहा है प्रेजेंट जो हमारा साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जिसको कहा जाता है यू विल कॉल दैट एक चार दो हजार इक्कीस और यह खत्म कब हो जाएगा इकतीस तीन दो हजार बाईस ये एक फाइनेंशियल ईयर बनेगा क्लियर और इस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइजेशन भी अपना रिपोर्टिंग करेगी फर्म भी अपना रिपोर्ट करेगी सोल प्रोबर भी अपना रिपोर्ट करेगा और गवर्नमेंट भी बजट बनाता है इसी के हिसाब से इसी पीरियड के लिए और गवर्नमेंट टैक्स भी ले लेता है इसी डेट पे यानी कि इस डेट को मद्देनजर रखने रखते रखते बात समझ आ रही है क्लियर अंडरस्टैंड हो रहा है तो देखो बेटा अब अगर मैं कन्वर्सली दूसरी चीज भी कहता क्योंकि चीजों को हमें इजी बनाना है तो मैं लिख लेता ओनर ए बी एंड सी ओनर्स ए बी एंड सी या पार्टनर्स जरूरत क्या है पार्टनर्स भी लिख सकते हैं हम क्योंकि आप पार्टनरशिप को डि, डि, डिस्कस में ले रहे हैं इस वक्त सो ओनर ए so, बी एंड सी विड्रू विड्रू का मतलब है वापस उन्होंने निकाला पैसा विड्रू रुपीज टू थाउजेंड ई और जो ही मैंने टू थाउजेंड ईच कहा इसका मतलब है कि हर किसी ने यहाँ पे हम नहीं लिख सकते थे ऐसा ए बी एंड सी टेन थाउजेंड रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली का मतलब है थाउजेंड बिलोंग्स टू बी एंड टू थाउजेंड बिलोंग्स टू सी ना ऑनर ए बी एंड सी विद ड्रिव रुपीज टू थाउजेंड ईच क्लियर विद रुपीज टू थाउजेंड ईच ऑन वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी एक चार 2020 पे इन्होंने या मैं इसको डेट ऐसे बराबर कर देता हूं वही डेट 21 क्लियर एक चार 2021 पे इन्होंने ड्राइंग्स ली है ड्राइंग्स का मतलब मैं रि 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 रिपीट करिए आप कि क्या ड्राइंग्स का मतलब है कि वो अमाउंट इन्होंने विदड्रॉ की हुई है जिस अमाउंट से इनको पर्सनल खर्चे जो है वो मीट आउट करने होते हैं और पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिससे ये लोग घर चला पाते हैं जिससे ये लोग घर का काम जो है जरूरियात जिंदगी वो मुहैया कराते हैं अपने फैमिली को इनमेट्स को अब ये जो सिचुएशन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर एनम अब अगर इन्होंने एक चार दो हजार इक्कीस पे निकाला हुआ है एक चार दो हजार इक्कीस पे निकाला हुआ है तो साल आगे की तरफ चलता जाएगा तो इसका मतलब है कि इनके बारह महीने इकतीस तीन दो हजार ट्वेंटी टू पे खत्म हो जाएगा क्लियर बात समझ आ रही है सो so, अगर यह चीज आपको समझ आ गई अब यहां पर भी हमें इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना कैलकुलेट इंटरेस्ट हेयर ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट दोनों जगहों पे तो नाम इंटरेस्ट का ही है वट इज एन इंटरेस्ट ये वो एडिशनल अमाउंट पे की जाती है प्रिंसिपल अमाउंट पे क्लियर कौन किस को देता है यू हैव एन असाइनमेंट फॉर दैट सो इंटरेस्ट यह भी इंटरेस्ट और यह भी इंटरेस्ट इसके साथ साथ दिस विल बी टर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस विल भी टर्म द नेम ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम तो इनके अलग अलग है नाम तो इनके अलग अलग है मगर जो कैलकुलेशन का तरीका रहेगा कैलकुलेशन के तरीके में जो फंडामेंटल ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट है वो सेम रहेंगे यानी इन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो पैरामीटर है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो सेम है चाहे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल पे या ड्राइंग्स पे एग्जांपल मेरे कहने का मतलब है इस पैरामीटर इसके जो इंटरेस्ट के पैरामीटर्स हैं वो ये है कि आप टाइम को मद्देनजर रखिए आप अमाउंट को मद्देनजर रखिए अब यहां पे भी तो अमाउंट देखे है यहां पे भी तो अपनी अमाउंट देके है अब यहां पे भी तो टाइम देके है और यहां पे भी तो टाइम देके है तो जब आपने अमाउंट और टाइम को देख लिया आपका मसला सॉल्व हो गया ऑल क्लियर सो देखो बेटा यहां पे अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस फर्स्ट पोर्शन सो वट इज दैट टेन थाउजेंड एंड टू ये मैं इसको ऐसे एक चार्ट बना लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं लिखूंगा जब भी मुझे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में लिखना होगा जब भी मुझे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा उधर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका मतलब यह होगा कि मैं अपने इवेल्युएटर को समझा रहा हूं कि जी मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं वर्किंग नोट फुट नोट क्लियर सो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल ए का कैपिटल कितना है यानी आपने amount निकाल दी 10 है. जब मैंने परसंट लिखा, परसंट का मतलब क्या होता है परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ हंड्रेड कितने परसेंट पर परसेंट यानी पर हंड्रेड पर, पर हंड्रेड आप उसको कितना दे रहे हैं सौ रुपया में से आप उसको कितना दे रहे हैं सौ रुपया में से आप उसको दस रुपया दे रहे सो so, टेन आउट ऑफ हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई जैसे आप निकालते हैं ना प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ये सो वन टेन थाउजेंड इंटू टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू टाइम अब मुझे बताओ इसने कैपिटल दिया कब है एक चार दो हजार बीस पे एक चार दो हजार बीस पे जब कैपिटल दिया है हमें किस डेट को बताया जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए किस डेट पे हमें बताया जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए हमें बताया जा रहा है इस डेट पे तो आप देखिए इंक्लूड हो जाता है तो फर्स्ट अप्रैल तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन एंड मार्च सो इट इज ट्वेल्व यानी ट्वेल्व आउट ऑफ ट्वेल्व बारह महीनों में से इसको बराबर बारह महीने मिलेंगे इंटरेस्ट क्यों मैंने कहा था ना पर एनम पर एनम का मतलब क्या होता है एक साल साल के कितने महीने बारह तो बारह महीनों में से इसने कितने टाइम के लिए इन कैपिटल uh, हमारे पास रखा बारह महीनों के लिए सो ही विल गेट ट्वेल्व आउट ऑफ

परफेक्ट मैनर एबल टू अंडरस्टैंड मेक यूर इवेल्यूएटर अंडरस्टैंड यू आर डूइंग और जब भी आप एक्सरसाइज करते चले जाओगे ये आप करते जाओ क्योंकि बीच में अगर क्वेश्चन आ गया हाफ एयर के लिए उसे नीचे के लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्लियर सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका बनेगा ऐसे सो वन थाउजेंड सो वन थाउजेंड विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वन थाउजेंड विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर अब ऐसे ही आप बी को ले लेंगे द बीज नॉमिन बी का जो है उसका अमाउंट क्या है फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड इंटू टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड उसके लिए भी तो सेम है द टाइम पीरियड इज सेम जब टाइम पीरियड सेम है रेट भी सेम है सो यू विल राइट डाउन विन ट्वेल्व सो वन टेन सो हिज इंटरेस्ट और हर इंटरेस्ट विल बी फाइव हंड्रेड एंड इन द सेम मैनर वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल दैट इज टू थाउजेंड इंटू टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू ट्वेल्व सो वी विल गेट टू हंड्रेड तो इसका मतलब हंड्रेड एंड सीज इंटरेस्ट विल बी टू हंड्रेड क्लियर अब यही आप तरीका इस्तेमाल कर लेंगे किस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे एक ट्राई आप करिए आपको समझ आ जाएगा हा अब मैंने कहा कि नाम है नाम में बड़ी चीज रखी है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है अभी मैं कह रहा था कि अगर मैं इसको फर्म मान लेता हूं इफ आई गिव इट नेम ऑफ ने फर्म ठीक है ये यहां पे इनका ऑफिस है तो इन्होंने कैपिटल रिसीव किया है वापस उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं. इन्होंने ड्राइंग्स दी है वापस उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं तो इस फर्म के अकाउंटेंट के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सपेंस है दैट इज एन एक्सपेंस एंड इसके लिए क्या है इनकम रेवेन्यू ये तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बल्कि उसके बदले जो है ये expenses है। so, बच्चों, यहां तक तो हम आ गए मुझे आई होप कि इतना आपने समझ लिया होगा अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया है तो मैं आपको ठीक है कि नहीं समझाए, आई विल राइट डाउन हेयर वन ऑफ दिस माई ई मेल एड्रेस आप उस पर फॉलो कर सकते हैं मुझे जहां कहीं समझ नहीं आगा वैसे आई होप दैट यू शुड हैव अंडरस्टूड यू विल राइट डाउन खालिद मसरूर के एच ए एल आई डी एम ए एस आर डबल थर्टी फोर एट जी मेल डॉट कॉम क्लियर खालिद मसरूर थर्टी फोर एट जी मेल डॉट कॉम ऑल्टरनेटिवली व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको चाहिए सेवन जीरो सेवन फाइव जीरो नाइन सो प्लीज फॉलो इसको आप फॉलो करेंगे और जिस चीज की भी गाइडेंस की जरूरत होगी वी आर अवेलेबल हेयर एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू थैंक यू